जबलपुर जेल से पैराल पर आकर ग्वालियर में फरार हुआ 35,000 का इनामी आरोपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दरअसल ग्वालियर के अवाड़पुर में रहने वाला रहीस खान 2003 में हत्या के मामले में ग्वालियर जेल में बंद था। इसी बीच ग्वालियर जेल से रईस को जबलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जबलपुर जेल में भी रईस ने एक कैदी की हत्या कर दी थी। बाद में रईस को पैराल मिली, जिसके चलते रईस ग्वालियर आया और फिर अंडरग्राउंड हो गया। हत्या के तीन मामलों के आरोपी रईस पर कुल 35,000 का इनाम घोषित है। ग्वालियर और जबलपुर पुलिस रईस की तलाश में खाक छान रही है। ग्वालियर पुलिस चुनावी सीजन के चलते रईस के छिपने वाले संदिग्ध ठिकानों पर छापा मार रही है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि माधव प्लाजा में अवैध रूप से आईपीएल जो मैचेस चल रहे हैं, इस पर सट्टा चल रहा है। इस सूचना पर से पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी और उसमें 6 आरोपियों को सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया था, जिनके नाम हैं ब्रजेश सिकरवार, अनूप सिंह चौहान, अभिषेक राजपूत, गजेंद्र सिंह परमार, मीत पटेल और विवेक सिंह सिकरवार। इसमें से एक आरोपी जो है गुजरात का रहने वाला है, बाकी सभी, एक आरोपी बिलहुआ जोरासी के रहने वाला है, बाकी 4 आरोपी मुरैना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे 40,000 रुपये नगद और सट्टे की पर्चियाँ, रजिस्टर, इनके मोबाइल्स वगैरह सब जब्त किए गए हैं। पूछताछ में इनके तार जो है दिल्ली और बम्बई तक जुड़े हुए हैं। क्या बैकग्राउंड है लोगों का, क्या करते हैं? अभी विस्तृत पूछताछ इनसे जारी है। कल देर रात इनसे पकड़ा गया है सट्टा, जो कलकत्ता और दिल्ली में जो मैच चल रहा था उस पर ये लोग सट्टा ले रहे थे। क्या व्यापारी है? अभी इनका डिटेल पता नहीं। एक दो तो इसमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति का कारोबार है, एक दो कोई व्यापारी हैं, सब किसी अलग अलग प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन सट्टा सब लोग मिलकर करते हैं। क्या कर रहे हैं? सट्टा एक्ट के तहत इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।